हम बात कर रहे हैं एक्साइट इंडस्ट्रीज़ की। आज के दिन की बात करें तो एक्साइट इंडस्ट्रीज़ में हमको बड़ा धमाका देखने के लिए मिल रहा है। 14% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक में हमको सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है, अपर सर्किट हमको हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं कितनी बड़ी बाइंग हमको देखने के लिए मिल रही है 320 के लेवल से। और इससे पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ हमको एक्साइट इंडस्ट्रीज़ में बड़ा जंप देखने के लिए मिल सकता है। 320-330 के ब्रेकआउट के बाद हमने 360 तक के टारगेट को इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था और बड़े जंप के साथ हमको 360 तक के टारगेट दिखा सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। हम देख सकते हैं स्टॉक ने 360 के लेवल को ब्रेकआउट करके 370 तक के टारगेट दिखाए। एक बड़ी बाइंग आज के दिन में हमको देखने के लिए मिली है। अब एक्साइट इंडस्ट्रीज यहाँ हमको और तेज़ी दिखा सकता है, लगातार अपने अप ट्रेंड में है। हमको हायर है पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। गिरावट आई थी, स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था, लेकिन हम देख सकते हैं इससे पहले जिस सपोर्ट से स्टॉक ने बाउंस बैक करके 340 तक के टारगेट दिखाए थे, उसी लेवल से बाउंस बैक करके 370 तक के टारगेट हमको दिखाए, उसी लेवल पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक। अब अगर गिरावट आती है तो 364 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और जिस लेवल को ब्रेकआउट किया है तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा 350-354 का लेवल। अब यहाँ से एक्साइट इंडस्ट्रीज़ में हमको और तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। अगर सेलिंग आती है तो हमको 354-350 तक का सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, तगड़ा सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। लेकिन एक्साइट इंडस्ट्रीज़ में टारगेट यहाँ से अब और ऊपर है। इमीडिएट टारगेट की बात करें तो 374, इसके ब्रेकआउट के बाद 380 और 380 के लेवल को ब्रेकआउट करके हमको 400 तक के टारगेट अब शॉर्ट टर्म में ही एक्साइट इंडस्ट्रीज़ दिखा सकता है। 400 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्साइट इंडस्ट्रीज़ में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।